अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम xpacademy.com, जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स 3D स्टूडियो मैक्स उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, 3D स्टूडियो मैक्स के इस लेसन के अंदर मैं आपको एक टिप्स देने वाला हूं। ये बेसिकली ट्रिक या टिप्स क्या है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं उसका ऑलरेडी एक सेंटर पॉइंट होता है, जिसे हम लोग गिज़नो या पिवट्स पॉइंट्स वगैरह कहते हैं। अब ये पॉइंट कैसे चेंज किया जाता है और क्यों चेंज किया जाता है, ये चीज़ इस लेसन के अंदर हम देखते हैं, और यही हमारे पास एनिमेशंस के अंदर हमें मदद भी करती है। मुझे अच्छी तरह याद है जब हमने इन वीडियोज़ का आगाज़ किया था, मैंने वहाँ पर भी ये चीज़ आपको बताई थी। अगर आपको नहीं भी याद तो दोबारा से आपको याद भी आ जाएगी और उसका एक प्रैक्टिकल भी हो जाएगा, क्योंकि मैंने वादा किया था मैं आपको एनिमेशन के अंदर प्रैक्टिकल करके आपको बताऊंगा। देखिए स्टूडेंट्स, लेट्स से ये मेरा एक डोर है, कुछ ऐसे कह देते हैं, हमारे पास ये क्या है, डोर है। अब जब आप डोर को ओपन करते हैं तो डेफिनेटली आपके पास मिडल से तो ऐसे ही ओपन नहीं होगा, इसको किसी कॉर्नर से होना होगा। अब कॉर्नर से क्यों नहीं हो रहा ये, क्योंकि जब ऐसे क्लिक कर देते हैं, मैं अगर आपको फोर व्यू में लेके जाऊं तो ये देखें, ये जहां से अपने आपको सिलेक्ट कर पा रहा है, ये आपके पास क्या है, सेंटर पॉइंट है यहाँ पे, इसलिए ये आपके पास इस तरह से घूम रहा है। देखिए ये जो भी काम ये कर रहा है, ये सेंटर की बेस पे कर रहा है यहाँ पे, क्यों, इसका ये जो पॉइंट है ये सेंटर में है। तो सबसे पहले इस पॉइंट को आपको चेंज करना होगा। ये काम कैसे करना है, इसके लिए आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, हायर की पे जाना होगा, ठीक है, और यहां पे है इफेक्ट पिवट पॉइंट ओनली, क्लिक कर दें और मूव की ऑप्शन ले लें, अपने पिवट पॉइंट को मूव कर दें, कहां तक लाना चाह रहे हैं, इधर इस एंड पे लाना चाह रहा हूं, ठीक है, और इसको खत्म कर डालें। अब अगेन आप ऑटो की मैंने लगा दिया, मैं आगे की तरफ आ जाता हूं और इसको लुक मैंने इसको दिया, तो मेरे पास ये बिल्कुल एक कॉर्नर पे रोटेशन बनकर आ चुका है, ठीक है। अब इसे क्लोज कर देता हूं तो ये देखें ऐसे दिखाई देगा जैसे आपके पास एक दीवार ओपन हो रही है, या सॉरी अपना एक डोर आपके पास ओपन हो रहा है, ठीक है। अगेन मैं सिंपली कर देता हूं, देखें बिल्कुल एक पॉइंट है उस जगह से अपने आपको ये मूव कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन के अंदर मैंने आपको ये बताना था कि पिवट पॉइंट्स को आप कैसे चेंज करते हैं। बेसिकली ये हमारा टिप्स और ट्रिक का लेसन है। नेक्स्ट लेसन तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।